गांव पश्चिमी पंचायत के माता बहने अभिभावक बुजुर्ग समाज से भी नौजवान दोस्तों से निवेदन करता हूं कि मुझे आप एक बार जिता के देखिए, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। शशि मेहता जी का कहना था कि सबसे हम सीनियर हैं और जितने भी प्रत्याशी सब जूनियर हैं, हमारे से अनुभव से सब में कमी है, क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका अपना विचार है, लेकिन मैं मानता हूं कि ज्ञानी से ज़्यादा अनुभवी होना चाहिए। पूर्व मुखिया अनिता देवी जी, उनके कार्यकाल को किस रूप में आप देखते हैं? वो हर गांव में दलाल छोड़ रखी हुई थी और वो दलाल जो कहता था, चूँकि वो अनुभवी नहीं थी, ना ज्ञानी है ना अनुभवी है, द्वेष द्वेष नहीं है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता जिस पर छतर छाए रख देगी, जनता जिसको आशीर्वाद दे देगी वही सेवक बनेगा। रंजीत महतो जी खड़े हैं मुखिया में, प्रत्याशी में पश्चिमी पंचायत से। रंजीत कुमार भी मेरा छोटा भाई है, मैं शिकायत नहीं करता हूँ। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार, आज हम हैं बड़का गाँव पश्चिमी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्री लालमणि महतो के साथ। चुनाव का समय काफ़ी नज़दीक आ गया, करीब आ गया है, काफ़ी प्रत्याशियों से मैंने बात भी किया, समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए बात नहीं हो पा रही थी। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल सफर 24 में स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए, आपका चुनाव चिन्ह क्या और कितने क्रम संख्या पर है? मेरा चुनाव चिन्ह 9 छाप है और क्रम संख्या 6 है। हमने इससे पहले के इंटरव्यू में शशि मेहता जी से भी इंटरव्यू लिया था और एक प्रत्याशी है पश्चिमी से, नकुल कुमार महतो जी, आपको कुछ काउंटर सवाल हम करना चाहेंगे। शशि मेहता जी का कहना था कि सबसे हम सीनियर हैं और जितने भी प्रत्याशी सब जूनियर हैं, हमारे से अनुभव से सब में कमी है, क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका अपना विचार है, लेकिन मैं मानता हूं कि ज्ञानी से ज़्यादा अनुभवी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास अनुभव है ना, उसको गांव चलाने में समस्या है, ना समाज चलाने में समस्या है, ना पंचायत चलाने में समस्या है। मैं इस कार्य को अगर जनता हमें भारी बहुमत से नौका छाप में मोहर लगा करके 6 नंबर क्रम में है मेरा, अगर भारी मतों से अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं जनता को निराश नहीं कर दूंगा, क्योंकि यह मेरा आवाज़ सेवा करने की भावना अंदर से निकलता है, वो मेरा दिखावा नहीं होता है। जनता को आप निराश नहीं करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इस बार जीतेंगे तो हर कोई अपना घोषणा पत्र बनाया है, आप मुख्य आपका क्या घोषणा है, जीतने के बाद आप क्या क्या करवाएंगे? बड़का गाँव पश्चिमी पंचायत के आम मतदाता से यह अनुरोध करता हूँ कि जो 60 बरस से ऊपर वाले लोग जितने भी हैं, चूँकि यह सरकार की योजना चल भी रहा है और हमें जानकारी भी है और मैं कुछ लोगों को कराया भी हूँ इस चुनाव घोषणा होने से पहले। पिछली बार आप मुखिया तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोग का कहना था कि लालमणि महतो जी हमारा पेंशन का काम करवाए हैं, सही बात है? हाँ, ये बात जो है आम मतदाता जो बोलते हैं, मैं जिस समय हमारी पत्नी, मैं तो उसका एक अंग था, कुल मिलाकर कहा जाए कि मुखिया का एक प्रतिनिधि था, और उस समय जहाँ जिस गांव में हो, जिस वार्ड में हो, जितने भी वृद्धा लोग थे, विधवा लोग थे, उस समय हमको कोई खोजने तक नहीं मिलता था कि कोई मेरा पंचायत में बाकी रहा। अगर जनता हमें भारी मतों से विजय बनाती है तो मैं एक वचन अवश्य निभाऊंगा कि 60 बरस से जितने भी योग्य सरकार के नियमानुसार से जितने योग्य हमारे वृद्धा विधवा लोग होंगे, मैं 100% इसको पूरा करूंगा। पिछली बार मुखिया थी पूर्व मुखिया अनिता देवी जी, चलिए मोटा मोटी एक 7 साल मानकर चलिए आप, उतना समय मिला, उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखती हैं, कैसे काम कराएं वो भी कॉन्टेस्ट में? वे क्या है कि वो हर गांव में दलाल छोड़ रखी हुई थी और वो दलाल जो कहता था, चूँकि वो अनुभवी नहीं थी, ना ज्ञानी है ना अनुभवी है, वे जो हैं हमारी पत्नी को हरा अभियान में जो है, हरा अभियान में वह जनता एक बार उन्होंने देखना चाहा कि एक बार जरा सा इसको भी देख लें, लेकिन जनता अंदर से जो है बहुत दुखी मन से उसको, मैंने सुखी मन से वोट दिया, लेकिन जस्ट उल्टा दुखी मन से जो है उसको नकार चुका है, और जनता से मैं निवेदन करता हूं। इस बार आपको क्या लगता है कि आप कौन, आपके कॉन्टेस्ट में टक्कर में कौन रहेगा, अनिता देवी रहेंगी? हमारा टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि जनता के जिस प्रकार से रुझान है। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? आप चलिए एक नंबर पर मान लिया, आपको आप जीत गए, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? नहीं, ये 2 नंबर के लिए भी लड़ाई और 5 में है, आप 5 में कौन आ जाएंगे मैं ये कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनता हमें आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई है। 27 तारीख को 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक भारी मतदान मेरे पक्ष में लोग मतदाता करेंगे, हमें इसे भरोसा और विश्वास है। नकुल महतो का एक आरोप था आपके ऊपर कि आप भूतपूर्व मुखिया, आपके घर से रही हैं आपकी पत्नी गीता देवी जी, उनके समय में जो है
शौचालय का काम सभी लोगों के घर तक नहीं पहुंचा, आप इसको कैसे जवाब देना चाहेंगे? मात्र 2.5 साल का मौका मिला और 2.5 साल के दरमियान में मैंने जो चल बन सका, जो सरकार की योजना था हर घर में पहुंचाने का मैंने काम किया। आज इसका परिणाम है कि वही 2.5 साल का पर जो कार्य किया हुआ है, जो जनता हमें स्वीकार कर रहा है, नकार नहीं रहा है। बाकी 6 उम्मीदवार जितने हैं वे कभी जो है समाज के बीच ना काम किए, व्यक्तिगत काम ना किए, जिसके चलते से मेरी लड़ाई जो है किसी के साथ नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, बाकी सब है हवा हवाई में। लालमणि महतो को बैठा हुआ है जनता, आम मतदाता, आशीर्वाद देने के लिए। और मैं निवेदन करता हूं कि आप भारी मतों से हमें जिताएं, कभी निराश मैं नहीं करूंगा, बार बार निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। लालमणि महतो जी बार बार निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भारी मतों से हमें जिताएं, आपको हम निराश नहीं होने देंगे। नहीं, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता जिस पर छतर छाए रख देगी, जनता जिसको आशीर्वाद दे देगी वही सेवक बनेगा। और मैं कोई बिजनेस करने के लिए मैं मुखिया बनना नहीं चाहता हूँ, सेवा भाव से हमें करता है। मैं राष्ट्रवादी हूँ, हमें सामाजिक कार्य का अनुभव है, धार्मिक काम का अनुभव है, राजनीतिक काम का भी अनुभव है, इसलिए मैं किसी ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कहूँगा। सब उम्मीदवार हैं, अपना अपना बात रख रहे हैं, बात रखना भी चाहिए। जिनका सच्चा बात लगेगा, उम्मीदवार 7 उम्मीदवार में जिनका सच्चा बात लगेगा उनके पक्ष में मतदान लोग करेंगे। देखिए, किसी पर स्पेशल पर्सनल टिकट टिप्पणी नहीं किए हैं, इनका कहना था कि हमने समाज सेवा जो ढाया उसी बलबूते पर हम समाज में लोगों के बीच हैं और जनता हमें जिताएगी, हमें पूर्ण भरोसा है और जीतेंगे तो जनता को निराश नहीं करेंगे, ये इन्होंने वादा किया। एक वादा अपने चैनल पर इनसे हम और लेंगे जो सभी प्रत्याशियों से लेते हैं, आप हमारे चैनल पर एक कमिटमेंट कीजिए, एक वादा दीजिए जनता के लिए कि आप जीतेंगे तो कम से कम अपने वार्ड का दौरा करेंगे कभी कभी लोगों की समस्या जानने के लिए। मैं आज से नहीं, मैं 2004 से ही सामाजिक कार्य में मुझे हम लगे हुए हैं। जितने भी हमारा पंचायत के लोग हमारा पास समस्या लेकर के आया, चाहे जैसा भी समस्या हो, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, या थाना का हो, या कहीं का भी समस्या हो, मैं भरसक उसका समाधान करने का प्रयास किया हूं और करता रहूँगा। रकीनी के बारे में आप कुछ नहीं बताए, लेकिन एक व्यक्ति है उनके बारे में कुछ बताइए। रंजीत महतो जी खड़े हैं मुखिया में, प्रत्याशी में 5वीं पंचायत से, क्या लगता है आपको कि समाज में आपसे उनके अधिक छवि है या फिर आपका छवि, क्योंकि वो भी उप मुखिया के तौर पर कुछ दिन काम किए हैं, क्या लगता है वो कॉन्टेस्ट दे सकते हैं आपको? ये तो जनता को निर्णय लेना है। रंजीत कुमार भी मेरा छोटा भाई है, मैं शिकायत नहीं करता हूँ। अगर उनका बात अच्छा लगेगा, उनका व्यवहार विचार अच्छा लगेगा, कार्य करने का हमसे ज़्यादा क्षमता उनके पास, जनता को लगेगा, आम मतदाता को लगेगा, तो जनता को निर्णय लेना है। अगर लगेगा कि भाई लालमणि महतो सरत सभी के कार्य में फिट है, सामाजिक में, राजनीतिक में, धार्मिक काम में, या किसी भी काम में दे दीजिए, काम करने का अनुभव है, तो मतदाता अवश्य हमें चुनेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमें जनता पर भरोसा है कि लालमणि महतो के पक्ष में ही 27 तारीख को 7 बजे से 3 बजे तक भारी मतों से लोग मतदान करेंगे, ये भरोसा और विश्वास हमें है। काफ़ी स्मार्टली तरीके से लालमणि महतो जी ने जवाब दिया। हर प्रत्याशी के बारे में हम कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट तरीके से जवाब दे के निकल गए। रंजीत महतो के बारे में छोटा भाई बोल के निकल गए, शशि मेहता के बारे में बड़ा भाई बोल के निकल गए, और इन्होंने यही कहा कि हम समाज में जो काम किए हैं उसके बलबूते हम आए हैं, और सभी प्रत्याशी का अपना अपना प्रचार करने का अपना अपना अधिकार है बोलने का, सभी अपने जगह सही हैं, बस जनता देखे कि कौन अच्छा है, कौन समाज के बीच है, कौन क्या कर सकता है, किसमें कितनी क्षमता है, उस आधार पर वोट करे। और इन्होंने दावा किया कि हम जीत रहे हैं, जनता का सपोर्ट मेरे साथ है। चलिए, चुनाव के बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन जीते, ये तो पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और भी प्रत्याशियों का इंटरव्यू सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।